और एक खूबसूरत हरे भरे पेड़ और उतार चढ़ाव से भरा बुग्याल और सामने देवरिया तार। शायद ये घोड़े का है या खच्चड़ का है। चढ़ाई जो है एकदम खड़ी है तो थकान तो हो रहा है। और आज अभी हम रुके हुए ताला गांव में और आज हम जाने वाले हैं सारी गांव से होते हुए देवरिया ताल ट्रैक करने। और ये जो पीछे आपको गांव दिख रहा है ये सारी गांव है। देवरिया ताल का जो ट्रैक है यहां से 3 किलोमीटर का है। तो चलिए अब ट्रैक का आनंद लेते हैं। और सारी गांव का कुछ व्यू इस प्रकार है। कुछ पक्के मकान है और कुछ कच्चे भी मकान है पुराने वाले। और ये है एंट्री गेट देवरिया ताल के लिए सारी विलेज से। ये है रास्ता, इस तरह का कुछ सीढ़ी नुमा है और कुछ मतलब जो एलिवेशन है ना वो खड़ी ही वाली चढ़ाई है। तो भाई थकान तो अच्छा खासा हो रहा है शुरुआत में ही। अभी तो मुश्किल से 250 मीटर चढ़े होंगे ऊपर, पर अच्छा खासा थकान हो रहा है। पर और बात ये भी है ना मेन कि दोपहर में हम लोग चढ़ रहे हैं। ट्रैक के रास्ते पे आपको एक बहुत ही प्यारा सा महादेव का मंदिर मिलेगा जो बहुत ही प्राचीन और पुराना है। और ये मंदिर के इर्द गिर्द परिसर का देख लीजिए नज़ारा किस तरह का है। और इस मंदिर का नाम है स्वयंभू ओमकारेश्वर दूधधारी शिव नारायण मंदिर। महादेव और नारायण जी दोनों का मंदिर है ये। ये जो रास्ते हैं ये चौराबाड़ी जो ग्लेशियर वाला रास्ता है जो केदारनाथ में है उस टाइप का थोड़ा थोड़ा सिमिलर रास्ता है ये। लोकल गाय जड़ी बूटी खाती हुई और जगह जगह खाने के लिए इस तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। और यहाँ से देखिए भाई सारी गांव के नीचे तरफ इतना खूबसूरत व्यू हो रखा है। तो जो शॉर्ट ट्रैक है, शॉर्ट ट्रैक में अगर चढ़ाई ना हो तो मज़ा नहीं आता है और इसमें तो केवल चढ़ाई ही चढ़ाई है तो आनंद आ रहा है। देखिए भाई कैमेलियन, हाँ हाँ हाँ, ब्लू कलर का कैमेलियन, वाह। सुनसान रास्ते हैं और बहुत ही प्यारे रास्ते हैं। एक तो पहली बात की ढलान नहीं है इन रास्तों पर, सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई ही है। ये ऊपर 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 हर ऊपर जाना है हमें और शायद आगे टिकट भी लगता है तो देखते हैं क्या है सीन टिकट का। बहुत ही प्यारा सा जगह मिला है और यहाँ पे अभी बैठ के थोड़ा बहुत नीचे से ही हम लाए हैं नाश्ता के लिए। तो नाश्ता कर रहे हैं और फिर चलेंगे। ज़्यादा दूर रह नहीं गया, 1 किलोमीटर ही रह गया। इनको ऊपर ले जा रहे हैं क्या आप? इनको ऊपर ले जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, ऊपर चढ़ती हैं। अच्छा तो अंकल जी जो इन गायों को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, ये गाय भाई ऊपर जाती हैं और एकदम हाइट पे जो जड़ी बूटी होता है, जो दुर्लभ जड़ी बूटी होता है उनका सेवन करती हैं। और भाई जो दूध देती है ना वो बहुत ही मतलब एक पौष्टिक तो होता ही है, मतलब बहुत ही हाईली प्रोटीन होता है वो, जो कि नॉर्मल जो प्लेन इलाकों की गाय है वो उनका दूध उस लेवल का नहीं होता है। रास्ते में तो खूबसूरती है पर चढ़ाई जो है एकदम खड़ी है तो थकान तो हो रहा है। करीब 3 किलोमीटर का ट्रैक है लेकिन लग रहा है साला अच्छा खासा लंबा ट्रैक लग रहा है क्योंकि घंटा तो हो गया भाई, घंटा से हम लोग वॉक कर रहे हैं और अभी तक से पहुंचे नहीं है फाइनल डेस्टिनेशन पे और बस चढ़ाई ऊपर की ही ओर जा रहा है। और एक और शॉर्टकट मिला है और रास्ते में जितना शॉर्टकट मिल रहा है उस रास्ते को हम पकड़ ले रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट रास्तों में चलने का जो मज़ा है ना वो अलग ही स्तर का होता है। वो मेन सड़क मार्ग वाला है ऐसे घूम के जाएगा लेकिन शॉर्टकट एकदम सीधी चढ़ाई है, बस इसी में चढ़ेंगे हम, आनंद लेंगे इन रास्तों का। थकान तो हो रहा है भाई। लगभग अपने फाइनल डेस्टिनेशन जो कि देवरिया ताल है टिकट काउंटर उसके करीब पहुंच गए हैं और अब मुश्किल से 100 से 200 मीटर होगा और लगभग हम टॉप पे पहुंचने वाले हैं। और यहां से भाई घाटी का व्यू देखिए, सब कुछ एकदम नीचे नीचे। और ये मौसम देखिए, बादल, बरसात होने वाला सीन अभी बन रहा है। और फाइनली अभी हम टॉप पे पहुंच गए और टॉप से जा रहे हैं देवरिया ताल की ओर, यहाँ से डाउन साइड है रास्ता। और ये भैया रास्ता एकदम सीन गंभीर। ये देखिए भाई सामने देवरिया ताल। करीब 1.5 घंटे के ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं देवरिया ताल जो कि 8000 फीट की ऊंचाई पर फंसा हुआ ये ताल है। और देख सकते हैं एक बार नज़ारे आप देख लीजिए इस ताल के। और इस ताल की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने इस ताल का निर्माण किया था और अलग किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि भीम ने इस ताल का निर्माण किया था। और दोनों किंवदंतियों के अनुसार यहाँ इस ताल में जो है देव लोग जो कि भगवान लोग हैं वो लोग इधर स्नान करते हैं। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पीसफुल प्लेस है, साफ़ सफाई यहाँ पर कूड़ा करकट बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है बहुत अच्छे से देखभाल करती है। फुल युद्धबाजी हो रही है ताल के इर्द गिर्द। ताल के इर्द गिर्द देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा बुग्याल है। तो देखिए भाई कितना खूबसूरती प्रदान कर रहा है बुग्याल के साथ साथ ये पेड़, बड़े ही खूबसूरत हरे भरे पेड़ और उतार चढ़ाव से भरा बुग्याल और सामने देवरिया ताल।
तो जो तालाब है इसके किनारे किनारे एकदम बैरिकेडिंग करके बनाया गया, जो कि इसकी आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। और बहुत ही प्यारे रास्ते हैं ये। ताल के इस साइड देखिए एक रास्ता बना हुआ है व्यू पॉइंट के लिए, तो अभी चलते हैं हम व्यू पॉइंट के पास और देखते हैं कैसा वहाँ से नज़ारा है। तो भाई आनंद आ गया जो 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा देवरिया ताल में आके। और यहाँ टिकट की बात करें, छात्र 18 वर्ष ऊपर जो भी छात्र हैं उनका 75 लगता है, और जो बड़े लोग हैं उनका मतलब अच्छा खासा लग जाता है 150 रुपये, और टूरिस्ट जो है उनके 600 रुपये लग जाते हैं जो मतलब बाहरी विदेशी लोग हैं, और बच्चों के तो शायद 30 रुपये ही लगता है। अभी हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, सीढ़ी वाला रास्ता है देखिए व्यू पॉइंट का, चलते हैं आनंद लेते हैं व्यू पॉइंट का। अरे भैया अरे पहुँच गए हम, पहुँच गए व्यू पॉइंट से। अरे भाई 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 और यहाँ से देखिए देवरिया ताल कितना क्रिस्टल क्लियर ग्रीन, यहाँ का पानी दिख रहा है आपको। और ये व्यू पॉइंट, बरसात की वजह से अभी थोड़ा धुंध सा दिख रहा होगा आगे के इलाकों में। देवरिया ताल के इर्द गिर्द आपको एक रास्ता बनाया गया है जिसके आप चल के आप परिक्रमा कर सकते हैं इस ताल को। तो चलिए हम भी परिक्रमा कर लें इस ताल का। परिक्रमा मार्ग बहुत ही खूबसूरत सा मार्ग है और झुक के भी चलना पड़ रहा है भाई, एकदम दोनों तरफ पेड़ है, साइड में देवरिया ताल है और यही तो आनंद है भाई इस ताल की और इस खूबसूरती की। इतना ट्रेक करके 4 किलोमीटर करीब आदमी करीब 1.5 घंटा एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ के आता है और फिर ये नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो मन में जो आनंद उत्पन्न होता है उसकी प्रकाष्ठा को बयां नहीं किया जा सकता है, बस फील किया जा सकता है। तो आपको अगर तो आप भी जीवन में एक बार ज़रूर आए इस ताल का सौंदर्य का लुत्फ उठाने और इस मेस्मराइजिंग ब्यूटी को फील करने का। अब शायद ये घोड़े का है या खच्चर का है पता तो नहीं लग पा रहा है, पर स्कल तो है इतना तो पता है। अभी बारिश होने लगी है उधर और पेड़ के छाए के नीचे अभी हम इधर बैठे हुए हैं और बैठ के सबसे बड़ी बात यहाँ बिस्किट खा रहे हैं। और ये जो पॉलिथीन है ना इसको यहाँ नहीं फेंकेंगे, अपने साथ ले जाएंगे और नीचे फेंकेंगे, बिकॉज इन ऐसी मतलब प्यारी जगहों पे कचरा हम नहीं फैलाएंगे अपने तरफ से, बल्कि लोगों की बात छोड़ी अपने तरफ से तो कुछ अच्छा करें। तो एक चीज़ और है, इधर बहुत सारे बुरांस के पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे और हमने एक फूल भी तोड़ा बुरांस का, ये देखिए। परिया ताल में अच्छा खासा वक्त बिताने के बाद करीब 2-2.5 घंटा रुके और अच्छा हर जगह वहाँ का चप्पा चप्पा घूम लिया, उसके बाद अब बारी है इधर नीचे जा रहे हैं अभी हम। भाई देख लीजिए पारंपरिक उत्तराखंड का। तो ट्रैक करने के बाद अभी हम फिर से आ चुके हैं बैक टू नॉर्मल, जो कि सारी गांव से रोड जाता है उस रोड पे आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने जहाँ पे अपना टेंट लगाए हुए थे। और करीब अभी शाम का वक्त हो चुका है, करीब 6 बजने को है। तो आज के ट्रैक की एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई ट्रैक एकदम इवन मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। 4 किलोमीटर का था, अच्छा खासा हाइट पर चढ़ानी था तो आनंद आया ही। उसके बाद जो देवरिया ताल पहुँचे वहाँ के नज़ारे भी बहुत ही आनंददायक थे।